नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, उससे पहले ये रिपोर्ट भी है आपके लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या राजनीति से संन्यास लेंगे, ये सवाल हरीश रावत ने खुद उछाला है। दरअसल हरीश रावत ने राज्य सरकार को रोजगार के मुद्दों पर चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अगर 3200 बेरोजगारों को नौकरियां दी हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हरदा की इस चुनौती को बीजेपी ने स्वीकार करते हुए करीब 17,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जानकारी सार्वजनिक कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने हरीश रावत से अपनी बात पर अमल करने को कहा। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी के इन आंकड़ों को झूठा बताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ों के जाल में उलझा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी साल में जारी तैयारियों के बीच उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर है। दरअसल बेरोजगारी की दर के आंकड़ों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी रार छिड़ गई है। कांग्रेस पिछले 2 महीनों में बड़ी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी के आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार पर निशाने साध रही है। जवाब में सत्तारूढ़ बीजेपी भी बेरोजगारी दर के 2 साल के आंकड़ों के अंतर के जरिए ये जतलाने की कोशिश कर रही है कि राज्य में बेरोजगारी कम हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। बेरोजगारी को लेकर रण छिड़ गया है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि साल 2017 से बीजेपी शासन काल के दौरान अब तक 17,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया। इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन आंकड़ों को झूठा करार दिया है। यहां तक कि ये चुनौती दे दी कि अगर ये आंकड़े सच साबित हुए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चुनाव घोषणा पत्र में हमने अप्रत्यक्ष रोजगार देने का जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको निभाया है। हजार अभी मैंने आपसे केवल ये अधीनस्थ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की प्रमाणित बातें की है। इसके अलावा हजारों लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी नौकरी दी है। मैं अपनी उस ललकार पर पूरी तरीके से कायम हूं। भाजपा के नेतागणों ने अलग अलग बातें कही है और अलग अलग फिगर बताई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से राज्य सरकार को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने सरकार से 3200 लोगों को दिए गए रोजगार की सूची सार्वजनिक करने के लिए कहा था, जिसके बाद सरकार ने 17,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का दावा किया है। राज्य में जारी इस सियासत के बीच रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करने वाले उत्तराखंड के 4,72,804 बेरोजगार नौकरी ढूंढ रहे हैं। उनकी ये चिंता इसलिए क्योंकि पिछले 4 सालों में सरकार पंजीकृत बेरोजगारों में से महज 2% को ही नौकरी मिल पाई। कांग्रेस अक्टूबर 2020 में 22.3% बेरोजगारी दर के जरिए सरकार को रोजगार के मोर्चे पर नाकाम साबित कर रही है। वहीं राज्य सरकार अलग अलग आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी पर उसने काम किया। देखिए, ये तो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक उद्देश्य से ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की हकीकत है वो बड़ी चिंतनीय है। जो सरकार के जो रोजगार कार्यालय हैं उनमें 8 लाख से अधिक लोग तो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उसके अलावा जो पंजीकृत नहीं है उनकी तादाद भी लाखों में होगी। कुल मिलाकर चुनावी साल में बेरोजगारी पर सियासत होना कोई नई बात नहीं। हर बार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये चिंता काफूर हो जाती है। सवाल ये कि अगर राज्य सरकार के दावे इतने ही सही हैं, तो CMI की रिपोर्ट में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 22.3% क्यों है? क्यों रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करने वाले उत्तराखंड के युवा 4,72,804 हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने देवभूमि में
डायलॉग कार्यक्रम में उत्तराखंड के व्यापारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राज्य में व्यापार की संभावनाओं पर मंथन किया और व्यापारियों की समस्याओं पर बातचीत की। मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड में व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन यहां की सरकारों ने कभी व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से कहा कि उत्तराखंड में अगर आप पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं पर लगातार काम किया जाएगा। तो देहरादून पहुंचे मनीष सिसोदिया और यहां पहुंचकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही साथ कहा कि हम रोजगार पर फोकस कर रहे हैं और अगर हमारी सरकार आती है तो हम और ज्यादा इस पर फोकस करेंगे, रोजगार के जितने द्वार बंद पड़े हैं उनको खोला जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर थे, जहां हरीश रावत ने जेपी नड्डा के कांग्रेस पर उठाए गए सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी सरकार राफेल विमान में हाई कमीशन की चिंता करे, बाद में हम पर आरोप लगाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने हरिद्वार नगर विधानसभा क्षेत्र के टिबड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण कर झंडारोहण किया और सफाई अभियान की शुरुआत की। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत, यहां पर कहा कि बीजेपी राफेल विमान में जो कमीशन खाई है उसकी चिंता करें, कांग्रेस पर वार करने की जरूरत नहीं है। रचनात्मक कार्यों के साथ राजनीति का संदेश है। हम सफाई अभियान भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है पदयात्रा करके जो कांग्रेस की परंपराएं थी उन परंपराओं को लेकर के हम लोगों के पास अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुँह की तरह बढ़ती जा रही है, आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। रुद्रपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बंगाली समुदाय के साथ संवाद कार्यक्रम करने रुद्रपुर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी समर्पित बंगाली समुदाय के लोगों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने मुख्य रूप से दो मांगें रखी, जिसमें उत्तराखंड में जिस क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं उन स्थानों के सरकारी स्कूलों में बांग्ला टीचरों की नियुक्ति और पश्चिम बंगाल असम त्रिपुरा सहित 7 राज्यों में दिए जाने वाले बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा जैसे मांगे शामिल है। इस दौरान जेपी नड्डा ने बहुत जल्द बाली समुदाय को कई सौगातें दिए जाने का आश्वासन भी दिया है। रुद्रपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा का बंगाली समुदाय से संवाद सामने आया है। इस दौरान बंगाली समुदाय के जो लोग थे वो कई मांगे करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि मूल रूप से यहाँ पर जो ज्यादा इलाके में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में बंगाली शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, साथ ही साथ और भी जो लोग हैं 7 राज्यों में दिए जाने वाले बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसको लेकर जल्द ही आश्वासन देने की बात यहां पर जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए। ये हमारे बंगाली समाज के साथ हमारे केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड आए हुए थे आज, साथ में सारा मंत्रिमंडल भी था और हमारे माननीय सांसद जी भी थे, मदन कौशिक जी भी थे, सबके बीच में हमारे बंगाली समाज के साथ संवाद किया उन्होंने, हमारे कष्टों को जाना, बीच में हमारे बंगाली महासभा और पूरे समाज के प्रयासों से जो पूरी पाकिस्तान शब्द हटा है उसके लिए हमने उनका आभारी व्यक्त किया और साथ में उनसे हमने ये डिमांड की कि हमारा जो एक अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की काफ़ी समय से मांग चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा का संवाद का प्रोग्राम था बंगाली समाज के साथ और हमने अपनी बात रखी, जो हमारे समाज में जो बहुत से समस्या थी, जैसे हमको बांग्ला भाषा पढ़ाया जाए, हमारे उत्तराखंड में रह रहे बांग्ला भाषी समाज को बांग्ला भाषा पढ़ाया जाए, साथ साथ जो 8 देश राज्यों में जो बांग्ला भाषी को अनुसूचित जाति का एक डिमांड था वो भी हम लोगों ने रखा।
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में वर्तमान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लक्सर के रविदास आश्रम पुरवाला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही सरकार चला चुकी है। उत्तराखंड की जनता दोनों से त्रस्त हो चुकी है। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच आई है। अगर आम आदमी पार्टी को इस बार जनता अपना सहयोग देगी तो दिल्ली की तरह उत्तराखंड को भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। लक्सर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो पूरी तरह से लोगों के हित में नहीं है। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ लोगों से झूठ बोला जा रहा है। अगर उनकी सरकार आती है तो फिर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का भी विकास किया जाएगा। तो लक्सर पहुंचे राजेंद्र पाल, जहां विपक्ष पर हमलावर होते हुए वो नजर आए हैं। हम लोग मुद्दों की राजनीति करने आए हैं और हम केवल खोखले वायदे नहीं करते। हम अपने वायदे को करने से पहले पूरी इस पर स्टडी करते हैं, कहाँ से आ रहा है उसको स्टडी करते हैं, जो हम देना चाहते हैं उसके लिए फंड कहाँ से आएगा उसको पूरी स्टडी करके उसको प्रिपेयर करते हैं और उसके हिसाब से उसके बाद फिर हम अपना घोषणा पत्र जनता से बात करके बनाते हैं। देखिए, कांग्रेस को देख लीजिए चाहे भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, दोनों के पास चूँकि लंबी सत्ता रही है उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो लोग पैसे के दम पर चुनाव लड़ते आए और हम लोग जनता से 10-10 रुपये इकट्ठा करके चुनाव लड़ते हम लोगों ने लड़ा है। इसीलिए हम लोगों ने हर मुक्त सरकार दिल्ली के अंदर दी और पैसा बचा के लोगों के लिए जो योजनाएं, जो फ्री में चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, 20,000 लीटर पानी मुफ्त हो या जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हो, तो उस सारी चीज़ों के लिए दवाइयां मुफ्त हो, इलाज मुफ्त हो। बीते साल 18 जुलाई 2020 को लेह लद्दाख बॉर्डर पर गश्त के दौरान वहां बिछाई गई माइंस फटने से शहीद हुए ग्राम गौरीकला के देव बहादुर को अपनी शहादत के 16 महीने बाद भी कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई। सोमवार को सरकारी उपेक्षा निराशा से थके हारे शहीद के माता पिता शांतिपुरी निवास कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय के घर पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपनी समस्याएं रखकर उनसे बेटे की शहादत को सम्मान दिलाने की मुहार लगाई है। ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीद के परिजनों को अभी तक सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। 16 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, उसके बावजूद भी कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद गणेश उपाध्याय के घर, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पहुंचे और मदद की गुहार लगाई है। साथ ही साथ आश्वासन दिया गया है कि उन्हें जल्द ही सारी मदद पहुंचाई जाएगी। नैनीताल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल बिष्ट और जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा से सैकड़ों महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भू कानून लागू हो जैसे नारे भी लगाए। आपको बता दें कि महिलाओं की मांग है कि उनको भी खाते खतौनी में सह खातेदार बनाया जाए। कांग्रेस नेता गोपाल बिष्ट ने कहा कि महिलाओं का सह खातेदार होना बहुत जरूरी है, जिससे महिलाओं को भी लाभ मिल सके। नैनीताल की तस्वीरें, सैकड़ों महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल गोपाल बिष्ट जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला सह खातेदार बने, जो कि बहुत ज़रूरी है। दरअसल गोपाल बिष्ट और जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा से सैकड़ों महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और भू कानून लागू हो जैसे नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं की मांग है कि उनको भी खाते खतौनी में सह खातेदार बनाया जाए। वहीं कांग्रेस नेता गोपाल बिष्ट ने कहा कि महिलाओं का सह खातेदार होना बहुत जरूरी है, जिससे महिलाओं को भी ज्यादा लाभ मिल सकेगा। जो आज महिलाओं को लेकर भीमताल विधानसभा की महिलाओं की तमाम मातृशक्ति को लेकर यहां पर जो जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन दिया जा रहा है, उसका जो हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि ये सारी महिलाएं भीमताल विधानसभा से किसी प्रधान क्षेत्र से आती हैं, हमारी मांग ये है कि जो 1950 के एक्ट 3130 के तहत जो भूमि में महिलाओं का नाम दर्ज होने की हमारी मांग है। पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा के यमकेश्वर विधानसभा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधानसभा परवेश रमा खलको यमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड द्वारिखाल पहुंचे।
जहां पर महेंद्र सिंह राणा की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। विकास खंड में पहुंचने पर रमा खालको ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर रमा खालको की तरफ से द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा की तरफ से कराए गए कई जनहित के विकास कार्यों की तारीफें भी की गई हैं। यमकेश्वर विधानसभा में हमारी द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विधानसभा पर्यवेक्षक एवं पूर्व मेयर रमा खालको जी हमारे ब्लॉक में डाटा मंडी में आई और हमारे बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बड़े अच्छे अच्छे सुझाव उन्होंने दिए किस तरह से हम बूथ मजबूत करें, किस तरह से कांग्रेस को और पूरी विधानसभा मजबूत करें। और मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो सुझाव दिए हम उनको ग्राउंड में जल्दी से जल्दी ला के इम्प्लीमेंट करके और कांग्रेस को यमकेश्वर विधानसभा में मजबूत करेंगे और कांग्रेस हर बूथ मजबूत होगा और कांग्रेस मजबूत होगी। जय कांग्रेस, जय भारत, जय उत्तराखंड। रुड़की आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कार्य का बहिष्कार भी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि जून 2020 में परिवहन विभाग का नया ढांचा स्वीकृत किया गया था जिसका शासनादेश जारी करते हुए शासन की तरफ से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सहायक के पदों का गलती से स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का कम दर्शाया गया जिस कारण पदों में हुई कटौती को सही करने के लिए पदाधिकारी सीएम से भी मिले लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद भी गलती में कोई संशोधन नहीं किया गया है। ताकि वर्ष 2020 में जो हमारा ढांचा बना हुआ था उसमें एक छोटी सी लिपि की त्रुटि हुई थी, उस लिपि की त्रुटि को संशोधन के लिए हमारे जो प्रतिनिधि थे शासन में मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि भाई छोटी सी त्रुटि को ठीक कर दिया जाए। और पिछले मैंने भी हम 2 दिन के कार्य बहिष्कार पे गए थे, कार्य बहिष्कार के बाद हमें आश्वासन मिला था कि भाई इस त्रुटि को हम जल्दी संशोधन करके ठीक कर देंगे, परंतु लगभग मुझे लगता 2 माह का समय बीत गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि शासन को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है जिस कारण से हमें मजबूरन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ रहा है। 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला मुख्यालय में बने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और बीएलओ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने वार्ड में घर घर जाकर 18-19 साल के मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार कर फॉर्म 6 भरवाने एवं मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए फॉर्म 7 और जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में गलत लिखे हों उन सभी मतदाताओं का फॉर्म 8 भरवाना सुनिश्चित करें। काशीपुर के उजाला अस्पताल में कर्मचारी की संदिग्ध मौत के बाद शव को लेकर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में साजिशन हत्या की गई और प्रबंधन अपनी लापरवाही से मुंह फेर रहा है। वहीं परिजनों और प्रबंधन के बीच बातचीत के दौरान गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी भी तरह से मामले को शांत करते हुए अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत कराई और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात पर सहमति के बाद परिजन शव लेकर चले गए। बच्चों का हम देख रहे हैं, बच्चों को सोचेंगे, हम इनके भविष्य के बारे में सोचेंगे। ये पुराना स्टाफ था वो तो हमें भी पता है, मैंने कहा जब पुराना स्टाफ था ऐसा घटनाएं क्यों हुई ऐसी, और वो भी इतनी भयंकर घटना हुई। और क्या कहते हैं मेरे को जब बताया, जब क्या कहते हैं जब उनकी हालत बिल्कुल ही सीरियस बहुत ही ज़्यादा वो हो गई, आके देखा तो वो खत्म ही निकले, तो बताओ मैं क्या करूँ। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में रेलवे बाजार निवासी युवा व्यापारी विनोद तिवारी के खुदकुशी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर उसके पति को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में कांग्रेस के जिला महामंत्री और उसकी पत्नी सहित रिश्तेदार और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस समिति मयूर दीक्षित से नव निर्वाचित रेडक्रॉस समिति के कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला प्रेक्षागृह में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पेदन अध्यक्ष जिलाधिकारी ने चेयरमैन माधव प्रसाद जोशी, वाइस चेयरमैन अशोक सेमवाल, जनपदीय सचिव सुशील डिमरी, कोषाध्यक्ष आकाश भट्ट,
राज्य प्रतिनिधि जुगल किशोर भट्ट, वरिष्ठ सदस्य उमेश प्रसाद बहुगुणा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का माल्यार्पण कर पदभार के लिए प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं भी दी हैं। औली में फरवरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए सड़क, पानी, बिजली समेत तमाम सुविधाओं की जानकारी ली। एसडीएम ने चैंपियनशिप से पहले व्यवस्थाओं को जाना है और चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। कालाडोंगी के थाना परिसर में सभी डीजी संचालकों, धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा के प्रबंधकों और मुख्य पुजारियों के साथ थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने मीटिंग आयोजित की। बैठक में आए नगर के सभी धर्मों के लोगों को बताया गया कि उच्च न्यायालय के रूलिंग पर ही कम ध्वनि और वॉल्यूम पर चर्चा की गई। थाना अध्यक्ष रावत ने कहा कि धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल किए जा रहे लाउडस्पीकर के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। कोई कार्यक्रम होने पर इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर्स को बिना प्रशासन की अनुमति के ना लगाने और लाउडस्पीकर की आवाज़ की तीव्रता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप रखें जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। स्थल जो है उनके पुजारी हैं, प्लस ये डीजे वाले हैं, बारात घर वाले हैं और बैंड बाजे वाले हैं। अब आगामी ये कल परसों से शुरू हो रहा है बारात और उनका सीजन शुरू हो रहा है, तो सभी लोगों को बुलवा के इसलिए बताया गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रूलिंग है इसके अधीन ही अपने उसमें बारात घरों में या डीजे का काम करेंगे। 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा और बारात घरों में सीसीटीवी कैमरे होंगे और अपने जो गार्ड रखते हैं वो रखेंगे। इस संबंध में इनको सभी को अवगत कराया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।